माँ बाप कुछ ऐसे गुनाह कर जाएं उन गुनाहों की सज़ा अगर अल्लाह ने चाहा तो उनकी औलाद भी वो सज़ा भुगतेगी वो औलाद को भी सजा पाना पड़ेगा कुरान कहता है उसके बारे में फ़ला तो الدنيا कहा कि ये माल ये औलाद जो आप कह रहे हैं अल्लाह के नबी दरअसल हम इनके जरिए भी इनको अजाब देंगे इस माल के जरिए भी हम अजाब देंगे या औलाद के जरिए से भी अजाब देंगे औलाद के जरिए से अजाब देने का मतलब क्या है कुछ गुनाह ऐसे भी होंगे माँ मा बाप के कि सज़ा ऐसी मिलेगी कि औलाद नाफरमान हो जाएगी कुछ गुनाह ऐसे भी होंगे माँ मा बाप के कि जिन गुनाहों की वजह से वो औलाद ऐसी तकलीफ़ पहुंचाएगी कि माँ बाप ज़िंदगी में चैन सुकून खो देंगे या फिर यूं होगा कि उन औलाद पर ऐसी मुसीबतें आएंगी परेशानियां आएंगी सज़ा उनको भुगतनी पड़ेगी माँ बाप ने गुनाह किया होगा वो औलाद के लिए एक आजमाइश है लेकिन उस माँ बाप के लिए वो अजाब है जिसके ऊपर वो मुसीबतें तारी हैं जो मुसीबतें जारी हैं उन लोगों के लिए तो आजमाइश है वो उनका उसमें कोई खसूर नहीं आप पूछेंगे कि औलाद का क्या खसूर है गुनाह तो बाप ने किया था लेकिन सजा बेटे को क्यों मिलेगी लेकिन बेटे के लिए सजा नहीं है बेटे के लिए आजमाइश है अगर बेटा सब्र कर लेगा उस मुसीबत में तो उसे उसे अजर मिलेगा लेकिन ये बाप की गुनाह की सज़ा बाप के लिए कि उसका बेटा उसके आंखों के सामने तड़पेगा उसकी आंखों के सामने उसके बेटा जो है बीमारी में आ जाए परेशानी में आ जाए तो ये बाप के लिए अजाब है और बेटे के लिए जो है अल्लाह ताला की जानब से एक आजमाइश है इन मुफस के बारे में यहाँ तक कहा कि बुनियादी तौर पर वो गुनाहों की सज़ा दुनिया में मिलती है जो हकूक इबाद से ताल्लुक़ रखने वाली हो किसी का नाहक हमने माल खा लिया हो किसी की जमीन हमने नाहक हड़प ली हो किसी पर नाहक हमने इल्ज़ाम लगाया हो जो मामला हुकूक उल्बा से ताल्लुक़ रखता है अगर अल्लाह ने चाहा तो वो बदला उनकी औलाद को अदा करना पड़ेगा बसा अवात माँ बाप किसी की ज़मीन हड़प कर किसी का माल हड़प कर हराम के ज़रिए से बच्चों की परवरिश करते हैं समझते हैं कि बच्चे हमारे कामयाब हो जाएंगे आगे आने वाली ज़िंदगी देखेगी उस माल से पलने वाले बच्चे इतने परेशान हो जाएंगे ऐसी मुसीबतें आएंगी देखना माँ बाप को पड़ेगा वो गुनाह जो बाप ने किया था उसकी सजा औलाद को भुगतनी पड़ेगी औकात ऐसा होता है आप देखेंगे देखे। माँ बाप को चाहिए कि ज़िंदगी गुजारते वक्त ऐसे ज़िंदगी गुजारें पल पल ये सोचें कि जो मैं काम कर रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि इसका बदला मेरी औलाद भुगतना पड़े औलाद के मामले में मैं और आप बड़े हसास में याद रखते हैं अगर हमें मैं चाहता हूं आप भी चाहते हैं कि हमें हमारे ऊपर कितनी भी मुसीबतें आएंगी हम बर्दाश्त कर लेंगे औलाद पर मुसीबत आए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हमें बुखार आया हमें तबीयत ख़राब हो गई हमें गवारा है बर्दाश्त है अगर उसी जगह पर हमारा बच्चा हमारी बच्ची थोड़ी देर के लिए बीमार हो जाती है माँ बाप तड़प जाते हैं ये मोहब्बत ये अल्लाह ने जज्बा माँ बाप के अंदर रखा है अगर उन्हीं माँ बाप के सामने औलाद पर अगर ऐसे अजाब आएंगे तो इसलिए माँ बाप को चाहिए कि ज़िंदगी भर हर पल पल सोच कर गुजारें कि जो मैं एक एक अमल करता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि इस अमल इस के, इस गुनाह की वजह से इस के बदले में उठा करना सजाना कई लोगों ने कई लोगों की जिंदगी से खेला है किसी की जिंदगी में नाहक के उंगलियां करना किसी की जिंदगी में नाहक के इल्जाम लगाना किसी के जीने को हराम करना किसी की रोजी रोटी पर लात मारना किसी को नौकरी से निकालने की कोशिशें करना तरह तरह की जिंदगी में लोगों ने बर्दाश्त की लोगों ने उसके साथ ऐसे हालात पेश आए लेकिन आगे जिन लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए उनके बच्चों को भुगतना पड़ा उनके गुनाहों की करतूतें की वजह से उनकी जो करतूतें थी उनके बच्चों को भुगतना पड़ा ये होता है ये अल्लाह का क़ानून है इसलिए शरीयत तालीम देती है कि जहाँ पर आप नेक अमल करेंगे तो उसका बदला आपके औलाद पाएगी अगर आप गुनाह के काम करेंगे अगर आप किसी के हक़ में कोताही करेंगे इबाद के मामले में किसी के हकूक लिबाद के मामले में जो बंदे के बंदे के दर जो हक़ होते हैं अगर उसके मामले में अगर बंदा गलती करता है उस गलती की सज़ा अल्लाह ताला दुनिया में भी अता करता है वो औलाद को भी सही अगर झेलना पड़े किसी का माल लेने से पहले किसी को इल्ज़ाम लगाने से पहले किसी के बारे में बुरा भला कहने से पहले लाख मरतबा सोच लें सौ मरतबा लाख मरतबा सोच लें अगर आपने इल्ज़ाम लगा दिया इस किसी के ऊपर किसी का ना माल हमने खा लिया तो आप तो चले जाएंगे लेकिन आप के जाने के बाद भी वो औलाद भुगतेगी ही आपके गुनाहों तमाम कस्म की तारीफ़ें हम हमदोसना बड़ाई व किबरियाई उसी अल्लाह के लिए लायक व सजावार हैं जो इस कायन का रब्बुल रबालमीन है बेपना दरुद सलाम नाजिल हो तमाम अम्बिया सलात वाम पर बिलखसूस मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब महमद रसोलसमल वसल वसल वबरिक महतरम हाजरेन खुतब मसनू के बाद मैंने आपके सामने सुर नहल की एक आयत करीमा तिलावत की जिसमें अल्लाह तबारक व ताली ने इशाद फरमाया मन आमिलहन मंद क्रिन ओ उन जो बंदे नेक अमल करते हैं अमल साल करते हैं चाहे वो मर्द हो या औरतें मंद करन ओ उन फ़लन हयातन तयबा हम ऐसे लोगों को बेहतरीन दुनिया अता करेंगे वलन अजर हम बिहसन माकान या मलूँ ये नेक अमल करने वाले चाहे वो मर्द हो या औरत हो उन्हें हम दुनिया भी बेहतर अदा करेंगे और इनके लिए आखिरत में तो बेहतरीन अजर है सो है ही महतरम हाजरेन आइए आज के खुदबे में आपके सामने कुछ नेक आमाल जो मैं और आप करते हैं हमारी कुछ नेकियां जिसका बदला अल्लाह तबारक तआला दुनिया ही में अता करता है बल्कि हमें ही नहीं बल्कि वो नेकियों की वजह से हमारे बच्चे और उनके आने वाले बच्चे आने वाली नस्लों को अल्लाह ताला हमारी नेकियों का बदला अता करता है आइए इसी के तल्ल से मैं आज के खुतबे में कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से अल्लाह पहले मुझ कहने वाले को भी और आप सभी सुनने वालों को भी हम तमाम को अमल करने के तौफीक अता फरमाएँ मोहतरम हाजरीन जैसा कि जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की मना मंदन और उनसा इसकी तफसीर में कई मुफसरन ने लिखा है यहाँ पर अल्लाह तबरक व तारा ने कहा कि बंदे अगर नेक अमल करेंगे अच्छे काम करेंगे अच्छे आमाल करेंगे फ़लायाताइबा कि हम उन्हें बेहतरीन दुनिया अता करेंगे ये दुनिया से मुराद क्या है दुनिया से मुराद मुफसरीन ने कई चीज़ों का जिक्र किया इससे मुराद सुकून की ज़िंदगी हम अता करेंगे चैन और आफियत की ज़िंदगी हम अता करेंगे राहत तो सुकून हम अता करेंगे मुश्किलों से मुसीबतों से आजमाइशों से हम उन्हें बचाएंगे तरह तरह के दलदलों में फंसने से हम उन्हें महफूज करेंगे कई माने हयातन तयीबा के यानी कि दुनिया के अंदर अगर चैन सुकून के लेना चाहते हैं तो फिर नकमल करो और फिर आगे अल्लाह ने कहा अगर नेक अमल करेंगे तो दुनिया भी चैन सुकून की और बाद में आने वाली ज़िंदगी आखरत की ज़िंदगी तो उनका अजर वहाँ पर मिलना ही मिलना है मोहतरम हाज़रीन देखिए अल्लाह तबरक वाला का एक क़ानून है ये दुनिया दारुल अमल है इस दुनिया के अंदर सिर्फ बंदा अमल करता चले जाता है यहाँ पर अजर नहीं मिलता हकीकत में अजर कहीं मिलता है तो वह दारखिर जो ख़्यामत का दिन आएगा जब बंदा दुनिया से रुख्सत हो जाएगा मैदान हशर की घड़ी जमेगी उस वक्त इंसान को उसके पूरे पूरे अमाल का बदला दिया जाएगा दारुल इस दुनिया के अंदर सिर्फ अमल करना है और इसका अजर लेना है हमें ख़ियामत के दिन ये मैं और आप सब जानते हैं अल्लाह का बुनियादी क़ानून है इसके अलावा अल्लाह का एक और क़ानून है वो क्या है बसा अवात अल्लाह तबारक तआला बंदों के कुछ नेकियों का बदला दुनिया में भी अता करता है अल्लाह अगर किसी को देना चाहे तो पूरे पूरे पूरी नेकियों का बदला तो ख़यामत के दिन ही मिलेगा लेकिन कुछ आमाल, कुछ नेकियां ऐसे भी होंगी मेरे और आपकी अगर अल्लाह को मंजूर हो जाए तो अल्लाह बदला दुनिया में अता करता है अगर चाहे मुझे अता ना करे मेरे आमाल का बदला तो मेरे आने वाली नस्ल को अल्लाह अता करेगा आबा व अजदाद जो नेकियां करते थे उन नेकियों का बदला आने वाली कई सारी सही नस्लों के बाद आने वाली नस्लें देखेंगी। देखेंगीबान जाइए अल्लाह ताला के इस कैसा क़ानून अल्लाह ने बनाया है आइए देखते चलें कुछ नेकियां, कुछ आमाल ऐसे होंगे अगर वालदेन करते हैं माँ बाप करते हैं अच्छे काम अच्छे ऐसे ऐसे, ऐसे आमाल जिन आमाल को अल्लाह ताला देखकर खुश हो जाए उन आमाल का बदला अल्लाह ताला अब नहीं जब नहीं आने वाली नस्लों को अल्लाह दिखाता है कहीं ऐसी मिसालें हमने देखी होंगी कुरबान जाइए आप उठाकर देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस वाक़े को जब अल्लाह ताला ने कहा कि आप से भी इल्म वाली शख्सियत एक और मौजूद है खजरा सलाम उनके पास चले जाएँ तो मूसा आलम निकल कर चले गए मुलाकात करने के लिए तो दोनों के दरमियान में बातचीत हुई कहा कि मैं जो भी यहाँ से काम करूँगा आप उसके बारे में सवाल नहीं करेंगे मूस सलाम ने कहा कि अच्छी बात है मैं कुछ सवाल नहीं करूँगा खजर आल सलाम आगे लेकर चले गए दो वाक़ा पेश आया कुरान कहता है वह अमल जीदार सूरह कहा हम हर जुमा पढ़ते हैं वाक़ा बार बार याद आता है बस्ती के अंदर दाखिल हुए पहले तो एक कश्ती को तोड़ डाला उसके बाद एक बच्चा खेल रहा था उसकी गर्दन तोड़ डाली बच्चे को मार दिया खजा सलाम दो मरतबा जो है मूसा सलाम सवाल कर बैठे कि आपने क्यों किया कश्ती वालों ने आपको मुफ्त में सवारी दी तो आपने उनकी सवारी तोड़ डाली और मासूम धन्ना बच्चा खेल रहा था उसने बच्चे को आप मार दिया लेकिन पहले तो दोनों के दरमियान में बातचीत हुई कि कोई भी सवाल नहीं करेंगे मैं चाहे जो भी काम करूं आप में उसको सवाल नहीं करेंगे लेकिन सवाल दो बार कर बैठे तो आपने कहा कि अब आगे से सवाल नहीं करना है तीसरी मरतब आपको मौका दिया गया अब आप एक बस्ती में दाखिल हुए जो बस्ती एक पूरी तरह से बखीलों की बस्ती थी इस बस्ती के पूरे अफराद बखील थे हालांकि भूख की हालत में भूख लग रही थी दोनों दाखिल हुए उस जमाने में ही नहीं बल्कि पिछले पूरे जमानों में देखा गया कि अगर कोई अजनबी आदमी शहर के अंदर दाखिल होता है तो एक अखलाकी फरीजा बनता है कि उसकी मेहमान नवाजी की जाए एक अखलाकी उसका इंसान का बनता है कि उसे खिलाया जाए पिलाया जाए एक नया नया आदमी जो कहाँ जाएगा लेकिन उस ज़माने में क्या था जान पहचान के लोग होंगे तो ही बात करेंगे अगर कोई अजनबी आदमी है तो कोई पूछ कर भी देखता नहीं इस ज़माने जाहलीत की एक रस्म थी उन लोगों ने भी देखा कि कोई नए आदमी आए तो किसी ने पूछा नहीं और आखिरकार ये लोग आगे बढ़कर सवाल कर बैठे कि हम भूख से भूखे हुए हैं हमें खाना खिलाएं इनके पूछने के बावजूद भी उन लोगों ने आपको खाना खिलाया नहीं तो कुरान कहता है कि जब ये दोनों वापस वहाँ से निकल रहे थे उस बस्ती वालों के दरमियान से तो खजर अल्लाम ने देखा कि दीवार गिर रही थी अमल जिदार फ़िर नली यतीमैन जो एक यतीम बच्चों की दीवार थी वो दीवार का जो हिस्सा था जो जगह की जो हिस्सा था वो यतीम बच्चों की दीवार थी अचानक से वो दीवार गिर रही थी खजर सलाम फ़ौर वहाँ पर गए सहारा दिए उस दीवार को दुरुस्त कर दिया मूसा सलाम से फिर से रहा ना गया आपने सवाल कर बैठे कहा कि इन लोगों ने बकीलों ने हमें खाना खिलाया नहीं इन लोगों ने हमें पूछा नहीं और इनकी बस्ती की दीवार गिर रही थी तो आपने उसे सहारा क्यों दिया गिरने देते या तो फिर उसका अजर ले लेते जो आपने मजदूरी की जो मेहनत की उसकी कम अज कम मजदूरी तो हम ले लेते कहा कि मैंने तुम्हें बार बार कहा कि सवाल नहीं करना है लेकिन तुमने बार बार सवाल किया आज यहां से तुम्हारा हादा व फिरा व वबैनिक आज अब यहाँ से तुम्हारा सा तुम्हारे लिए मेरा सा मेरे लिए अब हम ये अकेले साथ में चल नहीं सकते और आपने तफसील बयान की कि मैंने कश्ती क्यों तोड़ी बच्चे को मैंने क्यों मारा दीवार मैंने दुरुस्त क्यों की उस दीवार के बारे में आपने क्या कहा कहा कि दीवार मैंने इसलिए दुरुस्त ये दीवार जो है दरअसल यतीम बच्चों की दीवार थी और आगे क्या कहा अबू हुमा सा ये दोनों यतीम बच्चे जो हैं जिनकी दीवार है ये इनका बाप दरअसल बहुत बड़ा नेक इंसान था अल्लाह ये दोनों बच्चों का जो बाप है इसका बाप बहुत ही बड़ा नेक साले इंसान था और इस बाप ने इन बच्चों के लिए इस दीवार के नीचे खजाना छोड़ा है अल्लाह ने मुझे मेरे इशारा किया तो मैंने उसको दीवार मैंने दुरुस्त कर दी बच्चे कल के दिन बड़े हो जाएंगे तो अपना ख़जाना निकाल लेंगे देखिए शेख इब्ने अब्स कहते हैं कि मुफसरिन ने लिखा है इसके बारे में कि इस आयत की तफसीर में कहफ की तफसीर में आप उठाकर देखें कि ये बाप का जो लफ्ज़ यहाँ पर ताबिर किया गया कि बाप जो नेक साल अबू हुमा सालिह ये बाप सिर्फ़ उसका वही बाप ना था बल्कि कई मुफसरन ने कहा है कि ये एक बाप नहीं बल्कि पिछले वो बाप के बाप यानी कि सात नंबर पे आने वाला दादा इनका दादा वो दादा के दादा यहाँ तक कि सात पीढ़ियाँ चल चुकी थी सातवीं पीढ़ी से पहले जो बाप था उस बाप वो, वो, वो बाप नेक था वो बाप के नेक अमल करने की वजह से वहाँ पर कुरान कहता है कि उनके बाप की वजह से उस अमल की वजह से इनके खजाने की हिफाजत की गई अल्लाह अकबर तो पता चला कि किसने नेक अमल किया किसने नेकी की एक जमाने में सात पीढ़ी से पहले किसी एक एक बाप ने नेक अमल किया तो उसके बाद आने वाली सात पीढ़ियों के बाद उसकी नस्ल को फ़ायदा पहुंच रहा है अल्लाह अकबर तो नेकी करेंगे तो नेकी का बदला आने वाली नस्ल नहीं बल्कि पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ तक अल्लाह ताला उन्हें अदेगाता करेगा वो पता नहीं कि अल्लाह ताला कब किसको हिफाजत कर ले तो पता चला ये माँ बाप के नेकियां, माँ बाप के अच्छे आमाल आगे सिर्फ दुनिया के अंदर ही नहीं बल्कि इनके जाने के बाद इनकी नस्लों नस्लों में बाकी रह जाएँगे मोहरम हाज्रेन कहीं ऐसी मिसालें आपको देखने को मिलेंगी तारीख उठाकर आप देखें अशर मुबशर की जो हमने तफसर की कई जुम्ह तक हमने तस्करा किया जिन्हें अल्लाह के नबी सल्ला वसलम ने बेक वक्त एक मजलिस में जन्नत की बशारतें सुनाईं दस सहाबा को उन दस सहाबा की क्या ख़ुरबानियाँ थी हमने सुना एक से एक सहाबे की कुरबानियाँ आगे बढ़कर एक, एक की कीर्बानी आगे आगे बढ़कर उन्हीं में से दसवां नंबर हज़रत सीद बिन जैदिन के बारे में हमने सुना हज़रत सीद बिन जैद कौन है इनके मुकाबले में दूसरे सहाबा के मुकाबले में कुछ बड़ी काम बड़ी कुरबानियाँ तो नहीं है लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारतें सुनाई कई मुफ़रन ने यहाँ तक कि बारे में लिखा है किताबों के अंदर कि इनको ये एज़ाज़ क्यों मिला हालांकि सईद बिन जैद के बारे में आता है रज़ी अल्लाह तार ये भी जिलखद्र साहबी अल्लाह के नबी के चहीते साहबी लेकिन इतने बड़े बड़े आमाल इतने बड़े बड़ी बड़ी कुरबानियाँ तो इनकी ज़िंदगी में नहीं हैं जो क़ुरबानियाँ पिछले नौ साहबा में दिखती हैं लेकिन फिर भी एज़ाज़ मिला अल्लाह के नबी ने बशारतें सुनाई क्यों क्या वजह जानते हैं कई मुफसरन का कहना है कि इनके बाप के अमल की वजह से अल्लाह ने इनको मखा किया इनके बाप कौन हैं हज़रत जैद बिन अमर बिन नफ़ैल इनके वालिद साहब हैं हज़रत सईद के वालिद साहब जो हज़रत जैद हैं इनके बारे में आता है कौन है अल्लाह के नबी से अल्लाह के नबी दुनिया में आने से पहले उनका ज़माना उन्होंने पाया उस ज़माने में जब अभी दीन मुकम्मल आया ही ना था वो शिक्क बदात के माहौल में वो शिरक बिदात के माहौल में उस जमाने रखे अल्लाह अकबर जहां पर अभी शिरक बिदात का पूरा गढ़ था जहां पर अल्लाह के नबी अभी आए नहीं उसी वक्त से वो शिरक से बचे रहे बिदा से बचे रहे खुराफा से बचे रहे अल्लाह ने आपको दूरंदेशी दी थी जो लोग किसी बुत की पूजा करते तो जाकर उनको बताते कहते कि इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं जो आपको कुछ नफा नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है उस ज़माने जाहलीत के अंदर कैसे कैसे इन्होंने कुरबानी के जानते हैं कि उस जमाने में अगर लड़की पैदा होती किसी के घर में तो ले जाकर जिंदा दफन कर दिया जाता उस लड़की को जिंदा दफन करते किसी बाप को आप देखते तो जाकर उस लड़की को मांग लेते कहते कि कह, तेरे पास पालने की हैसियत नहीं है तो मुझे दे दे मैं पाल लूंगा तकरीबन इन्होंने आठ से नौ बच्चियों को दूसरों के बच्चियों को लेकर इन्होंने पाला उनकी परवरिश की जमाने जाहिलियत के अंदर हालांकि अभी अल्लाह के नबी आए नहीं दुनिया अभी नबी बनाकर आपको मबूस नहीं किया गया दीन अभी पेश नहीं किया गया उससे पहले इन्होंने अपने जगह पर एक बहुत बड़े सलाहतमंद इंसान थे और आखिरकार जब आपकी मुला आपने इनके बारे में कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि कि़ियामत के दिन ये हज़रत जो ज़ैद हैं सईद बिन जैद के जो वालिद हैं जैद बिन अमर बिन नुफैल रुफ़ैलियामत के दिन अपनी जगह पर एक उम्मत की शक्ल में आएंगे अल्लाह अकबर अकेले तन्हा आदमी हैं कल अल्लाह के पास आएंगे तो एक उम्मत की शक्ल में आएंगे इनकी ये कुर्बानियाँ इनके अच्छे आमाल इनके ये नेकियों का बदला अल्लाह ताला ने बेटे को अता किया बेटे को अल्लाह के नबी ने, ने बशारतें सुनाई सईद बिन जैद को कहा कि सईद जो है जन्नती हैं आपको मुस्तजाबु दावात अल्लाह ने बना दिया जो भी दुआ हजरत सईद हाथ उठा करते दुआ फौरन कबूल हो जाती फौरन दुआ करते फौरन दुआ कबूल होती ये सारे जो एज़ाज़ आपको मिले आपके बाप के अच्छे कामों की वजह से आपको मिले अल्लाह हो तो पता चला के माँ बाप के अच्छे आमाल सिर्फ़ उन्हीं को नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को फ़ायदा पहुँचाते हैं मोहतरम हाजरीन देखिए इबादत जो हम करते हैं इसका मकसद तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रजात होता है अल्लाह को राज़ी करने का मकसद होता है मैं नमाज़ पढ़ता हूँ मकसद है कि अल्लाह राज़ी हो जाए मैं रोज़ा रखता हूँ कि मकसद है कि अल्लाह राज़ी हो जाए मैं फ़लाँ अच्छा काम करता हूँ कि मकसद है कि अल्लाह राज़ी हो जाए ये तो बुनियादी हक़ है कि अल्लाह के रजात का हम रखने का लेकिन आप तारीख उठा कर देखें बिन मसूद के बारे में आत तो के बारे में आता है कि जो अच्छे आमाल जो अच्छी इबादतें जो अच्छी नेकियां हैं इनका मकसद सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के बजाय उसके साथ साथ अपनी औलाद की हिफाजत के लिए भी हुआ करता था अल्लाह अकबर आप तहाजद के हजरत हर बिन मसूद के बारे में तो के बारे में आता है कि जब आप तहाजद के लिए उठते तहजुद की नमाज़ आप पढ़ते नमाज़ पढ़ने से पहले अपने बच्चे को देखते जो बच्चा सोया हुआ छोटा मासूम बच्चा उस बच्चे को देख कर कहते कि बच्चे मैं जो नमाज पढ़ रहा हूँ मेरा मकसद तो है अल्लाह राजी हो जाए तहजद की नमाज़ में पढ़ रहा हूँ मकसद है कि अल्लाह राजी हो जाए और साथ में अल्लाह तेरी हिफाजत भी कर ले अल्लाह बाप की तहजद की नमाज़ हालांकि मकसद अल्लाह राजी हो जाए लेकिन दुआ भी कर रहे हैं कि मेरी इस नमाज की वजह से तेरी हिफाजत भी हो जाए कहीं मुफसन के कहीं ताबिन के बारे में आता है इस तरह के वाक़ तो पता चला बा, माँ बाप के अच्छे आमाल अच्छी नेकियां दुनिया के अंदर उनको भी फ़ायदा पहुंचाएंगे और उनके बच्चों को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे मोहतरम हाजरीन जहां पर अल्लाह का एक क़ानून हमने सुना कि अल्लाह ताला नेकियां बदले में अल्लाह ताला दुनिया में अता करता है अच्छे आमाल का बदला दुनिया में अता करता है वहीं पर अल्लाह का एक और क़ानून भी है वो क्या है जहां पर अल्लाह नेकियों का बदला दुनिया में देता है बसा औकात इंसान के गुनाहों की सजा भी अल्लाह दुनिया में देता है अल्लाह ये अल्लाह की मर्जी है हम इसे यह नहीं कह सकते कि सिर्फ अल्लाह का आजाब है उस आदमी के लिए या फिर अल्लाह अल्ला तला दुनिया में यह अल्लाह की मर्जी है हकीक़ी हिसाब और किताब तो ख़्यामत के दिन होगा उसका अजर भी वहीं दिया जाएगा उसे अजाब भी वहीं दिया जाएगा लेकिन कुछ चीज़ों के लिए छोड़ी थोड़ी, थोड़ी, थोड़ी चीजें थोड़ा थोड़ा अजर थोड़ा थोड़ा आजाब दुनिया के अंदर भी दिया जाएगा अगर अल्लाह ने चाह तो उसके गुनाहों की सज़ा दुनिया में उसे ना मिलेगी जहाँ पर अभी मैंने कहा कि अगर निकिया का नेकियों का बदला अपने खुद को मिलेगा नहीं तो फिर उनके आने वाली नस्ल को तो वैसे ही गुनाहों की सज़ा भी या तो उसे ही मिलेगी या बसा औकात अगर अल्लाह ने चाहा तो उसकी औलाद को भी सजा मिलेगी माँ मा बाप कुछ ऐसे गुनाह कर जाएं उन गुनाहों की सजा अगर अल्लाह ने चाहा तो उनकी औलाद भी वो सजा भुगतेगी वो औलाद को भी सजा पाना पड़ेगा कुरान कहता है उसके बारे में

कुछ गुना ऐसे भी होंगे माँ बाप के कि जिन गुनाहों की वजह से वो औलाद ऐसी तकलीफ़ पहुँचाएगी कि माँ बाप जिंदगी में चैन सुकून खो देंगे या फिर यूं होगा कि उन औलाद पर ऐसी मुसीबतें आएंगी परेशानियां आएंगी सज़ा उनको भुगतनी पड़ेगी माँ बाप ने गुनाह किया होगा वो औलाद के लिए एक आजमाइश है लेकिन उस माँ बाप के लिए वो अजाब है जिसके ऊपर वो मुसीबतें तारी हैं जो मुसीबतें जारी हैं उन लोगों के लिए तो आजमाइश है वो उनका उसमें कोई कसूर नहीं आप पूछेंगे कि औलाद का क्या कसूर है गुनाह तो बाप ने किया था लेकिन सजा बेटे को क्यों मिलेगी लेकिन बेटे के लिए सजा नहीं है बेटे के लिए आजमाइश है अगर बेटा सबर कर लेगा उस मुसीबत में तो उसे उसे अजर मिलेगा लेकिन ये बाप की गुनाह की सजा बाप के लिए कि उसका बेटा उसके आंखों के सामने तड़पेगा उसकी आंखों के सामने उसके बेटा जो है बीमारी में आ जाए परेशानी में आ जाए तो ये बाप के लिए अजाब है और बेटे के लिए जो है अल्लाह तला की जानब से एक आजमाइश है ये अल्लाह का कानून है कुरान के आदत के मुताबिक आप देखेंगे वह हम फला तो जब का अम्बा लूम वला औलाद हूँ हम माल के ज़रिए से भी औलाद के ज़रिए से भी आज़ाब देंगे मोहतर माजरिन देखिए इसलिए शरीय ने कहा कि वह गुनाह ऐसा नहीं कि हर गुना नहीं है कि कई मुफसर उसके बारे में यहाँ तक कहा कि बुनियादी तौर पर वह गुनाहों की सज़ा दुनिया में मिलती है जो हकूक इबाद से तल्लु रखने वाली हो किसी का नाहक हमने माल खा लिया हो किसी की ज़मीन हमने नाहक हड़प ली हो किसी पर नाहक हमने इल्ज़ाम लगाया हो जो मामला हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखता है अगर अल्लाह ने चाहा तो वो बदला उनकी औलाद को अदा करना पड़ेगा कि बसा अवत माँ बाप किसी की ज़मीन हड़प कर किसी का माल हड़प कर हराम के जरिए से बच्चों की परवरिश करते हैं समझते हैं कि बच्चे हमारे कामयाब हो जाएंगे आगे आने वाली ज़िंदगी देखेगी उस माल से पलने वाले बच्चे इतने परेशान हो जाएंगे ऐसी मुसीबतें आएंगी देखना माँ बाप को पड़ेगा वो गुना जो बाप ने किया था उसकी सज़ा औलाद को भुगतनी पड़ेगी बसावत ऐसा होता है आप देखेंगे अबू दाऊद के हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी के सामने जो वाक़ पेश आया हज़रत अली रज़ी अल्लाह अलील्न जो आपके दामाद हैं वाक़ा हमने कई बार सुना होगा हज़रत अली रज़ी हज़रतली बारे में आता है कि जब आपका निकाह हुआ कुछ दिन गुज़रने के बाद अबू जहल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही बड़ा दुश्मन दुश्मनों की फहरिस में सबसे पहले नाम आने वाला अल्लाह के नबी को सताने वाला रुकाने वाला मारने वाला अबू जहल की बेटी इस्लाम कबूल की अबू जहल की बेटी मुसलमान हो गई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने पैगाम निकाह भेजा हज़रत फ़ातिमा के निकाह के बाद हालांकि आपकी रोजियत में अल्लाह के नबी की बेटी मौजूद हैं फिर भी, भी आपने देखा कि अबू जहल की बेटी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं तो आपने पैगाम निकाह भेजा दरअसल बात क्या थी एक आ, एक सहाबी हजरत एक अली की ज़िंदगी में एक जगह पर अल्लाह के नबी की बेटी और एक जगह पर अल्लाह के नबी के दुश्मन की बेटी ये बात अल्लाह के नबी के पास पहुँची वसल्लम का चेहरा बदल गया अगर आपने कहा कि अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम खाकर आपने कहा कि अल्लाह की कसम हज़रत अली की जोजियत में बैक् वक्त एक नबी की बेटी एक नबी के दुश्मन की बेटी दोनों नहीं रह सकते अली को इजाज़त है कि दूसरा निकाह करें लेकिन उससे पहले उसे चाहिए कि आप मेरी बेटी को तलाक़ दे दें मैं नहीं चाहता कि एक नबी की बेटी और एक नबी के दुश्मन की बेटी दोनों बै एक वक्त एक साथ आपके निकाह में हो बात बहुत गिरा हुई आपने उस वक्त आपने कहा कि फ़ातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है फ़ातिमा की तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ है फ़ातिमा का दुख मेरा दुख है उस वक्त आपने कहा था हालाँकि अबू जहल एक आपका दुश्मन है अबू जहल की बेटी इस्लाम कबूल कर चुकी है अबू जहल की बेटी को तो कोई खसूर नहीं वो तो मुसलमान हो चुकी है लेकिन बाप की करतूतों की वजह से बसाओत बच्चों को भी भुगतना पड़ता है अगर चाहे शायद के वहाँ पर अबू जहल की बेटी के अलावा किसी और की बेटी होती तो शायद के अल्लाह के नबी हाँ कर देते ये अल्लाह के नबी की मर्ज़ी थी आपका दुश्मन होने की वजह से आपने कहा कि दुश्मन की बेटी मेरी बीवी के सौगन हरगिज़ बन नहीं सकती इसके बाप के करतूतें है ऐसी हैं इसके बाप के करतूतें है ऐसी हैं आपने मना कर दिया अल्लाह अकबर हालांकि अबू जहल की बेटी का कोई कसूर नहीं लेकिन होता ये है माँ बाप के गुण देखिए इसलिए माँ बाप को चाहिए कि ज़िंदगी गुजारते वक्त ऐसे ज़िंदगी गुजारें पल पल ये सोचें कि जो मैं काम कर रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि इसका बदला मेरी औलाद भुगतना पड़े औलाद के मामले में मैं और आप बड़े हसास में रखते हैं अगर हमें मैं चाहता हूँ आप भी चाहते हैं कि हमें हमारे ऊपर कितनी भी मुसीबतें आएंगी हम बर्दाश्त कर लेंगे औलाद पर मुसीबत आए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हमें बुखार आया हमें तबीयत ख़राब हो गई हमें गवारा है बर्दाश्त है अगर उसी जगह पर हमारा बच्चा हमारी बच्ची थोड़ी देर के लिए बीमार हो जाती है माँ बाप तड़प जाते हैं ये मोहब्बत यह अल्लाह ने जज्बा माँ बाप के अंदर रखा है अगर उन्हीं माँ बाप के सामने औलाद पर अगर ऐसे अजाब आएंगे तो इसलिए माँ बाप को चाहिए कि ज़िंदगी भर हर पल पल सोच कर गुजारें कि जो मैं एक एक अमल करता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि इस अमल इस के, इस गुनाह की वजह से इस बद इसके बदले में मेरी औलाद को सजा ना मिले कहीं लोगों को देखा है दुनिया के अंदर भरी पड़ी तारीफ उठाकर आप देखें कई लोगों ने कई लोगों की ज़िंदगी से खेला है किसी की ज़िंदगी में नाहक के उंगलियां करना किसी की ज़िंदगी में नाहक के इल्ज़ाम लगाना किसी के जीने को हराम करना किसी की रोज़ी रोटी पर लात मारना किसी को नौकरी से निकालने की कोशिशें करना तरह तरह की ज़िंदगी में लोगों ने बर्दाश्त की लोगों ने उनके साथ ऐसे हालात पेश आए लेकिन आगे जिन लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए उनके बच्चों को भुगतना पड़ा उनके गुनाहों की करतूतें की वजह से उनकी जो करतूतें थी उनके बच्चों को भुगतना पड़ा ये होता है ये अल्लाह का क़ानून है इसलिए शरीयत तालीम देती है कि जहाँ पर आप नेक अमल करेंगे तो उसका बदला आपके औलाद पाएगी अगर आप गुनाह के काम करेंगे अगर आप किसी के हक़ हाँ में कोताही करेंगे बिलखसूस हकूक व लिबाद के मामले में किसी के हकूक़ लिबाद के मामले में जो बंदे के बंदे के दरमियाँ जो हक़ होते हैं अगर उसके मामले में अगर बंदा ग़लती करता है उस गलती की सज़ा अल्लाह तला दुनिया में भी अता करता है वो औलाद को भी सही अगर झेलना पड़े किसी का माल लेने से पहले किसी को इल्ज़ाम लगाने से पहले किसी के बारे में बुरा भला कहने से पहले लाख मरतबा सोच लें सौ सो मरतबा लाख मरतबा सोच लें अगर आपने इल्ज़ाम लगा दिया इस किसी के ऊपर किसी का नाक माल हमने खा लिया तो आप तो चले जाएंगे लेकिन आपके जाने के बाद भी वो औलाद भुगतेगी आपके गुनाहों की सज़ा तो मोहतरम हाजरीन इन बातों से मेरा खुला कलाम कहना ये है कि जहाँ पर ज़िंदगी अल्लाह तला ने हमें अता की है जहाँ पर हम नेक आमाल करते हैं अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करेंगे अच्छे अच्छे अमाल करेंगे नमाज़ों की पाबंदी के साथ हम वो अमाल करेंगे जिन आमालों की वजह से अल्लाह खुश हो जाए तो उसका बदला हमारी औलाद को भी देखना पड़ेगा माँ कई जगहों पर आपने देखा होगा कि नेक माँ बाप साले माँ बाप ने गुरबत में ज़िंदगी गुजारी गरीबी के हालत में माँ बाप ने ज़िंदगी गुजारी पूरी तकलीफों के साथ मुसीबतों के साथ परेशानियों के साथ लेकिन अल्लाह से डरते रहे नेक मुत परहेजगार रहे आगे आने वाले नसल को यूं बदले में मिली कि अल्लाह ताला ने उन्हें मालदार बना दिया वो माँ बाप की नेकियाँ थी वो माँ बाप की कुर्बानियां थी जो आगे आने वाले नस्लों को अल्लाह ने ऐसे खजाने उनके घरों में उबाले ऐसी राहत ऐसे आराम करदा चीज़ें अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी में पेश की बदला यही था कि उनके माँ बाप नेक थे तो मोहतरम मतलब हाँ नाजरीन शरीयत बार बार यही तालीम देती है कि नेक आमाल करें गुनाहों से बचें और बिलखसूस हकूक इबाद में किसी के साथ कोताही करने से परहेज़ करें दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से अल्लाह ताला हम तमाम को ऐसे हालात से बचाएं जिन हालात की वजह से ऐसे गुनाहों से बचाएँ जिन गुनाहों की वजह से आगे चलकर हमें या फिर हमारे आने वाली नस्लों को उसका असला भुगतना पड़े अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हम तमाम को ऐसे आमाल करने की तोफ़ी अदा फ़रमाएँ जिन आमाल को करने से अल्लाह ताला खुश हो जाए और उसका बदला हमारी आने वाली नस्लों को भी अल्लाता करे आमीन रबाली असलम आल्कम वरम वरक